आज मैं उत्तर प्रदेश में आया हूं। 2013 से 2019 तक 6 साल तक उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के संगठन के लिए मैंने बहुत भ्रमण किया है। जिले जिले में गया हूं, तहसील तहसील में गया हूं, असेंबली सीटों का भी दौरा किया है। और इसलिए पहले का उत्तर प्रदेश मुझे ठीक तरह से याद है। चाहे पश्चिम के अंदर भय से मारे लोग क्षेत्र छोड़कर जा रहे हूं, चाहे महिलाएं अपने आप को असुरक्षित महसूस करती हो, चाहे भू माफिया गरीबों की और सरकार की भूमि को अवैध रूप से अपने कब्जे में लेते हो, चाहे दिन दहाड़े गोलियां चलती हो, चाहे दंगों से ग्रस्त उत्तर प्रदेश हो, 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने एक वादा किया था कि हम उत्तर प्रदेश को कानून और व्यवस्था की दृष्टि से ठीक बनाएंगे, उत्तर प्रदेश को विकसित प्रदेश बनाएंगे। और आज जब मैं 2021 में यहां पर खड़ा हूं तो मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि योगी आदित्यनाथ और उनकी टीम ने उत्तर प्रदेश के कानून और व्यवस्था को देश में सबसे आगे ले जाने का काम किया। यही तो परिचय है भारतीय जनता पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जातियों के आधार पर नहीं चलती। भारतीय जनता पार्टी की सरकारें परिवारों के आधार पर नहीं चलती। भारतीय जनता पार्टी की सरकारें अपने नजदीक के लोगों के लिए काम नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी की सरकारें देश के सबसे गरीब व्यक्ति के विकास के लिए और कानून व्यवस्था ठीक करने के लिए काम करती। मैं आज जब यहां आया हूं तब कह सकता हूं कि आज विकास की 44 योजनाओं में देश में सबसे आगे उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश मैं 44 योजनाओं को गिनाना नहीं चाहता। योजनाएं बनाना बड़ा सरल होता है, मगर योजनाओं को भूमि पर उतारना, योजनाओं को लाभार्थी तक पहुंचना, इसमें से बिचौलियों को खत्म कर देना और लाभार्थी को बिना कोई कष्ट बिना कोई रिश्वत ये योजना का लाभ मिले, ऐसा तंत्र बनाना बहुत कठिन होता है। योगी जी और उनकी टीम ने पूरे देश के अंदर 44 योजनाओं में सर्वप्रथम स्थान प्राप्त किया है, ये हम सब के लिए गौरव का बात। मित्रों, आज मैं यहां आया हूं तब इतना जरूर कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश ने हर क्षेत्र में विकास किया है, चाहे औद्योगिक निवेश करने की बात हो, चाहे योजनाओं के सफल क्रियान्वयन की बात हो, चाहे कानून और व्यवस्था ठीक करने की बात, चाहे गरीब किसान का ऋण माफ करने की बात हो, चाहे गरीब किसान का अनाज बिचौलिए के बगैर डायरेक्ट उसके बैंक अकाउंट में डालने की बात हो, चाहे हर घर में शौचालय बनाने की बात हो, हर घर विहीन को घर देने की बात हो, 1,47,00,000 महिलाओं को गैस का सिलेंडर देने की बात हो, इतने ही घरों के अंदर बिजली पहुंचाने की बात हो, चाहे भ्रष्टाचार को नाबूद कर भ्रष्टाचारियों पर भय खड़ा करने की बात हो, हर क्षेत्र में उत्तर प्रदेश ने योगी जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा काम किया। और उसी का परिणाम है कि 11,00,000 करोड़ से अर्थव्यवस्था जो थी आज 4 ही साल में 11,00,000 करोड़ से बढ़कर 22,00,000 करोड़ पर पहुंचकर देश में दूसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनी है। और मित्रों, कोविड के दोनों लहरों में उत्तर प्रदेश शासन ने योगी जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा काम किया है।
यहां की आबादी, यहां की जनसंख्या, गांव में फैला हुआ प्रदेश, 22 करोड़ की आबादी, शायद पूरे यूरोप से ज्यादा आबादी अपने उत्तर प्रदेश के अंदर है। और इसके अंदर बारिश में परंपरा से मिली लचर स्वास्थ्य सुविधाएं, उसको चुस्त करना, दुरुस्त करना और लोगों की सुरक्षा करना, आज वैक्सीनेशन में भी उत्तर प्रदेश देश में सबसे पहले, बेड बनाने भी सबसे आगे है, टेस्टिंग में सबसे आगे है और उत्तर प्रदेश के नागरिकों को सुरक्षा देने में भी आज आगे है। मित्रों, हर क्षेत्र के अंदर ये जो प्रगति हुई मोदी जी के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जिस प्रकार से संवेदना के साथ जनहित का कार्य कर रही है, उत्तर प्रदेश उसमें सबसे आगे है। मैं मानता हूं कि इसी परिवर्तन के लिए उत्तर प्रदेश की महान जनता ने 300 से ज्यादा सीटें देकर भारतीय जनता पार्टी को यहां पर शासन करने का मौका दिया। और हमने वादा किया था कि शासन को एक जाति के लिए नहीं होगा, सबके लिए होगा। ये शासन एक परिवार के लिए नहीं होगा, सबके लिए होगा। ये शासन चंद बिल्डरों और धनिकों के लिए नहीं होगा, ये शासन सबसे गरीब व्यक्ति के लिए होगा। और आज मैं कह सकता हूं 4 साल के बाद कि हम इस दिशा में काफी आगे बढ़े। मित्रों, आज मैं यहां पर फोरेंसिक साइंस इंस्टीट्यूट उत्तर प्रदेश के भूमि पूजन के अंदर आया हूं। ये उत्तर प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस इतने बड़ी भूमि के अंदर एक विशाल संकुल बनाकर आगे बढ़ेगा। आज तो उसका बीजारोपण हुआ है, मगर जब ये वटवृक्ष होगा, अनेक बच्चे यहां से अपनी करियर करेंगे, बनाएंगे, अनेक बच्चे यहां पर अनुसंधान में हिस्सा लेकर न केवल उत्तर प्रदेश, पूरे देश की कानून और व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी बनने का काम करें।